हमारी कोई गलती ऐसी है, लेकिन यार मैं आपको बताया मेरी मजबूरी थी यार। तो मजबूरी आपकी, इनकी भी मजबूरी। क्या नज़ारा है जनाब, यहाँ का क्या मंजर प्यारा खूबसूरत, सूरज का ये देख सकते हैं। ये देखे जनाब, ये बन रहे हैं सेट यहाँ पे, ये भाई बना रहे हैं। तो ये जनाब कैसर साहब सीन ले रहे हैं सामने रेड वॉल का, इसके बाद आगे पीछे और भी बहुत सारे वॉल्स हैं, उनके भी शूट करने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं जनाब शूट करने, एक छोटा सा शूट है, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल इस टाइम मैं खड़ा हूँ जनाब स्टूडियो में, तो यहाँ से निकल रहे हैं मैं और कैसर गौरी साहब, तो जाएंगे इंशाल्लाह स्टूडियो में और सॉरी लोकेशन पर, तो वहाँ पर क्या क्या होगा आपको सब दिखाएँगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से जनाब, तो वहाँ पर टीम सारी वेट कर रही है, होगी तैयारी शारी यार। लो जी, गौरी साहब की अभी तैयारी नहीं हुई है इसको, और फिल्म चला दी, अब दोबारा फिर इसने टाइम दिया है, और लेकिन अभी तक इसकी तैयारी नहीं हुई है। खैर आगे मिलते हैं वहाँ लोकेशन पर जाके। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और वीडियो को एंड तक देखा करें, ऐसे मज़ा नहीं आता जनाब। थैंक यू जनाब, ये हम लोग आ गए हैं, कैसर साहब चले गए अंदर, तो अभी ये बाइक जरा अंदर हमने अंदर लगानी है, तो फिर मैं अभी आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। लोकेशन देखी हुई है पहले भी व्लॉग में, अभी मैं दिखाता हूँ आपको सारा कुछ, चलिए मैं ज़रा बाइक शाइक लगा लूँ। तो ये जनाब हम लोग आ गए हुए हैं ऊपर, तो बना हो रहा है रेडी, तो ये स्टैंड बाई होगी हर चीज़, तो जैसे मतलब अभी ये शूट सारा नीचे वाला शूट करेंगे, फिर ऊपर सारा दिखाएंगे आप लोगों को, तो साथ रहें इंशाल्लाह, भी बड़ा मज़ा आने वाला है। क्या नज़ारा है जनाब यहाँ का, क्या मंजर प्यारा खूबसूरत, सूरज का ये देख सकते हैं आप लोग। आए हाए हैं, ये सारी लोकेशन है जनाब यहाँ की, ये देखें, जैसा मैं पिछली वीडियो में ये आपको ये चीज़ें सारी इधर उधर सारा कुछ दिखा चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ शूट करने आए हैं वीडियो, तो ये देखें जी, ये जनाब शूट हो चुका है स्टार्ट हमारा, ये देखें जी गौरी साहब कर रहे हैं शूट। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डायरेक्टर मलिक आसिम फियाज़टवाना और हमारे साथ मौजूद हैं रजा सुमार साहब। तो आज हम करने जा रहे हैं शूट द्वारों का, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शूट पसंद आएगा, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। ये शूट हो रहा है अभी यहाँ पे, ये प्ले, इसके बाद अभी जनाब हम लोगों ने और भी बहुत कुछ करना है। अभी ये मेरे पीछे देख रहे हैं आसिम भाई, इसके बाद इनका इंटरव्यू शूट है, तो ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन और यूट्यूबर भी हैं, इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, व्लॉग्स बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं ये, तो प्लीज़ इन सब आप सब इनको भी सब्सक्राइब करें, इनके चैनल पर जाएँ, इनके व्लॉग्स देखें, ये बड़े अच्छे बंदे हैं और बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। अभी ये शूट करने के बाद हम लोगों ने जनाब इनका इंटरव्यू शूट करना है, तो चले आगे आपको दिखाते हैं। ये जनाब कैसर साहब सीन ले रहे हैं सामने रेड वॉल का, इसके बाद आगे पीछे और भी बहुत सारे वॉल्स हैं, उनके भी शूट करने हैं, तो फिर जनाब हम लोगों ने इधर आगे यूँ इस साइड पे जाके पीछे बैठ जाना है, तो जब उधर जाएंगे तो वही मैं आपको दिखाता हूँ सारा। ये जी आसम भाई का कहना है कि मेरा काम आज फिर लटक जाना है भाई, पिछले तीन दिन से हमें ना ये कैसर भाई फिल्में करा रहे हैं, कभी कैसर भी रस्ते में होते हैं, कभी कैसर भाई का फ़ोन बंद हो जाता है, और हम फिर भी वेट कर लेते हैं, मेरे कोई नहीं यार माड़े बंदे हम, लेकिन आप टेंशन नहीं ले आसम भाई, आज आपका काम हो जाएगा। चले आज मैं आपकी बात मान लेते हैं, नहीं आप ना भी माने फिर भी आपका काम हो जाने। ये देखे जनाब, ये यहाँ पे सेट तैयार हो रहे हैं सारे, ये देखे तैयार हो रहा है। हाँ जी, ये लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वो सामने वाला जो है वो अभी तैयार हो रहा था, तो अभी वो तैयार हो गया हुआ है, उसकी वॉल्स वगैरह सारी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये पूरी ये वॉल्स वगैरह बना रहे हैं, ये जो सेटों की होती हैं सारी ये इधर तैयार हो रही हैं, तो अभी हम लोग ये सामने सेट का शूट कर रहे हैं। तो ये मेरे पीछे वाला जो सेट है ये आप देख रहे हैं, ये आप लोगों ने पहले देखा हुआ है सारा, ये सारा लोग हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं, और मैंने आपको कहा था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं वीडियो शूट करने बहुत जल्द, तो आज हम लोग आ चुके हुए हैं वीडियो शूट करना है। ये देखें ये सामने ये कर रहा है वीडियो शूट जनाब कैसर, और उसके बाद हम लोगों ने जनाब इस सेट की वीडियो बनानी है, उधर पीछे मेरे उस सेट की वीडियो बनानी है, ये सारी वीडियोज़ बनाने के बाद हमने करना है आसिम का इंटरव्यू शूट, तो फिर उसके बाद जनाब और भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ये वीडियो बनाते हुए आगे से गुजर गया बंदा और गौरी साहब टप गए, तो फिर ये तबा तबा चलती रहती है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि सेट बनते कैसे हैं, जिस पर किस तरह मेहनत होती है। ये देखें जनाब, ये बन रहे हैं सेट यहाँ पे, ये भाई बना रहे हैं, और ये सारे सेट जो हैं जनाब ये सारे होने जाते हैं, वो मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने जो पड़ा हुआ है ये इधर से ही ये इन्होंने तैयार किया, इन भाई ने ये सारा तैयार किया, इस तरह मतलब ये प्यार, ये सारी जितना भी चीज़ें, सारा आर्टिफिशियल तैयार हुआ हुआ,
तो ये चीज़ें बन रही हैं, रेडी हो रही हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग शूट होती हैं, मूवीज़ शूट होती हैं और बड़ी अच्छी फोटो शूट, ब्रांड्स वगैरह भी आते हैं सारे यहाँ पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स भी आते हैं और उसके अलावा मूवीज़ वाले भी आते हैं, ड्रामास भी शूट्स होते हैं। आप भी अगर शूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी चल रहा है शूट। हमारी गीतम प्यारी दिखाई आपने इनको? नहीं, अब नहीं दिखा। आज हमने गीतम प्यारी को जी पॉलिश करवाया है, तो अगर आपने पॉलिश करवानी हो तो वो भी मतलब सर्विस मौजूद है। ये आसिम भाई की गीतम प्यारी है जनाब, खड़ी हुई है सामने। तो ये आसिम प्यारी के ऊपर आज हमने मेहनत की है, लेकिन फिर भी ये जगह रह गई हमारी ना। ये जी ये इसके ऊपर से इतना हाथ नहीं फिरा। चले कोई नहीं, जब गाड़ी चलती है फिर मिट्टी छिट्टी तो लगती रहती है। तो गौरी साहब फुल फोकस कर रहे हैं कैमरे पे। ये देखें जनाब कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, आज बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और ये इधर सेट्स हैं सारे। तो ये बैठ गए हैं गौरी साहब। क्यों गौरी साहब, खत्म हो गया शूट? जी हमने बाकी शूट पहले कर लिया था, ये नया सेट डिजाइन हुआ तो इसका नहीं। तो ये अभी आसिम भाई का क्या कहना है, इनका शूट करना है कि नहीं करना? आसिम भाई का अभी लाइट आती है तो करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं लटका हमारा इधर। आसिम भाई ने बेसिकली 12 बजे का टाइम किया था, फिर इन्होंने कहा मैं 2:30 बजे आऊँगा, तो इस वजह से मैं निस्बत रोड चला गया, तो फिर अब मैं लेट हूँ। जी जनाब इस बात का मैं भी गवाह हूँ, इन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था और हो गया लेट, तो अभी इसमें इनकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन यार मैं आपको बताया मेरी मजबूरी थी यार। तो मजबूरी आपकी, इनकी भी मजबूरी थी, ये भी मजबूरी है, पर मेरी मजबूरी थी इसके साथ जाना, पर इनकी मजबूरी मजबूरी मायने सर अब हम बच गए आपसी। चले जनाब अभी आगे जो होता है वो भी आप मजबूरियाँ इकट्ठी करके एक मजबूरी मिली है हमें और वो इनको हम मजबूर करके वो फिर रहे हैं। मजबूरियाँ इकट्ठी करके वो मजबूरी वो फिर रहे हैं जनाब अली भाई। तो ये सेट के पीछे देखें कितना प्यारा मंजर है जनाब। ले जनाब ये हम लोग आ गए अंदर ऑफिस में, अभी चल करने लगे आसिम भाई का शूट। गरीबा दी हट्टी, वेलकम टू गरीबा दी हट्टी। ये अभी गरीबा दी हट्टी दा होने लगा जनाब इंटरव्यू शूट। तो ये पीछे देख सकते हैं ये आसिम भाई का सारा ऑफिस है, ये इनको नया ऑफिस मिला यहाँ पे, तो आज इनका ये इंटरव्यू करने लगे हम लोग। ये आसिम भाई तैयार शार होके आ गए जनाब। अली भाई ने मास्क पहन लिया, गौरी साहब कैमरा लेके आ गए। तो खैर ये शूट करते हैं, उसके बाद आगे दिखाएंगे आपको कुछ करना है कि नहीं करना। फिलहाल तो कोई नहीं है, टेंशन बन गई। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि गलत नाम क्यों लेना उन्होंने? तो कैसर कंधारा नाम है जी इसका, कंधारा यार बेटा ये रिमूव करो। ले जी इसका नाम कैसर कंधारा है, आज के बाद गौरी नहीं है। ओके तो ये जनाब लग रहा है डेकोरेशन पीस रखे जा रहे हैं जनाब यहाँ पे, अली भाई लगा रहे हैं। क्या है क्या है हमारा प्रोडक्ट जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है विद रेफरेंस ऑफ अली भाई, जेंटल ऑर्गेनिक। ठीक है, अली भाई इसके को फाउंडर हैं, ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर मलिक आसिम फियाज़वाना साहब हैं, जो भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और ये हमारी कंपनी का लोगो है लाहौर से लाहौर तक, जो हमारे कोरियन भाई ने कवर किया। तो नाम क्या है इसमें जनाब? आप हमारे आप ये कंपनी आपकी है? हमारी है। चले जनाब अभी इनका इंटरव्यू होने लगा स्टार्ट। आप ऐसे करें सर, ऐसे यार ये क्या लुक आ रहा है, क्या ही लुक, ये आपकी बड़ी अच्छी लुक आ रही है जनाब। मेरी मानी है। तो ये जनाब अभी हो रहा है स्टार्ट यहाँ पे, तो जब कैमरा ओपन हो जाएगा फिर तो हम ये ब्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है आसिम भाई की। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर कैमरा नहीं चला सकते, आवाज़ नहीं कर सकते कोई भी यहाँ पे। तो अच्छा लगा, ये रिकॉर्डिंग के बाद आपको दिखाएंगे कि बाकी क्या होने वाला है। ये पीछे में देख सकते हैं कि आसिम भाई ने कितना प्यारा सारा सेट लगाया हुआ है। ये अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, यानी कि ये अभी बैठ गए जनाब। ये देखें मेरा पेंडिंग मैसेज भेज लो, हैं तेरा 1000 टप गया, 500 टप गया, पाए मैं रोटी खावांगा। तो मैं यार मैं छत्ता नहीं लाना, आराम करने में जाता। ले जी इनकी लग गई स्टेटस कि किसके व्यूज ज्यादा है, वो शर्त करते हैं आप सब अहमद फजल शुक्र के साथ। आज हम देख रहे हैं जेंटल ऑर्गेनिक, बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी हमने आप कह रहे दिन रात एक करने के बाद आज हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि हमने जेंटल ऑर्गेनिक ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। तो ये नाजरीन जिसका आप सबको था इंतजार, फैसल इकबाल साहब आ चुके हैं। ये देख इधर से आ जाओ। तो जनाब फैसल भाई आ चुके हैं, फैसल साहब को लेते हैं क्योंकि ये बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई और बड़ी सारी बातें इसने करनी है मेरे साथ, नाराज़ भी है। तो चले फैसल साहब आ गए हैं, फैसल साहब को मिलते हैं। फैसल भाई कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? ये आ गए हैं फैसल साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर शूट हो रहा है एक दफ़ा, इधर आ जाओ।
ले जी ये फैसल साहब आ गए, अभी फैसल साहब ने करने हैं बड़े सारे गिले शिकवे। आए आज तो फैसल लग रहा है पप्पू बच्चा देखे यार, पप्पू क्या आज काम पे निकले हैं, पहली चोरी पहले ही फा। फैसल साहब आज बड़े दिनों बाद काम पे निकले, लेकिन हमें एक बन गया टेंशन, वो हम बता नहीं सकते। ये फैसल साहब शक्ल बता रही है कि ये टेंशन में है, क्यों फैसल साहब? ये जनाब मुझे लगता है उनका फोन भी आ गया है, एएसए साहब का फोन आ गया, लेकिन करते हैं बात। ये जनाब आसिम भाई की रिकॉर्डिंग हो गई है खत्म, तो कासिम भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, और आप दुआ करें सिर्फ कि हमारा जनरल ऑर्गेनिक बहुत जल्द हो इंशाल्लाह, हम ना दीपेश शो करवाएंगे और हमारे पास प्यारे प्यारे भाई आए हुए हैं। आप इनको अपने चैनल का नाम भी बता दो। मेरे चैनल का नाम है लाहौर से लाहौर तक, आपने इनको सब्सक्राइब करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आज का व्लॉग हमारा यहाँ तक था, अभी हम लोग ये भाई कर गए गुस्सा, ले जी इनको भी ले आए। तो नाज़रीन अगर आप ये सेल्फी है, सेल्फी पड़ी हुई है, वो टूट गई हुई है, वो उधर है, लेकिन ये इनकी तो बकवास चलती रहेगी जनाब, इनको करें खली वली। तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।